गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं एंड दैट इज़ मोशन इन वन डायमेंशन। और इसमें सबसे पहले मैं कुछ टर्म्स डिफाइन करती हूँ, जैसे बॉडी एट रेस्ट, बॉडी इन मोशन, पॉइंट ऑब्जेक्ट एंड सो मैनी। ये टेक्निकल टर्म्स हैं, ये जो आपने पहले भी पढ़ी होंगी इन क्लास नाइन्थ में। थोड़ा सा इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन है, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी सब हमने पढ़ा हुआ है, तो एक छोटा सा रीकैप हम कर लेते हैं। सो बॉडी एट रेस्ट, वैन कैन यू से द बॉडी इज एट रेस्ट। हम बॉडी को रेस्ट पर तब बोलेंगे वैन इट विल नॉट चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। दैट मीन्स इट विल रिमेन एट सेम पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। एंड वैन विल यू से द बॉडी इज इन मोशन, वैन इट विल चेंज इट्स पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। अगर बॉडी चेंज करती है तो मोशन में है, अपनी पोजिशन चेंज करती है तो वो मोशन में है, और अगर बॉडी अपनी पोजिशन चेंज नहीं करती है तो फिर वो रेस्ट पर कही जाएगी। विच ऑब्जेक्ट कैन बी कॉल्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, किस ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट कह सकते हैं? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट एक ऐसा पॉइंट मास या पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट होता है जिसका साइज एकदम नेग्लिजिबल हो और जो रोटेशन भी ना कर सके। तो ऐसे किस ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं? तो मैं एक एग्जाम्पल लेती हूँ कि अगर मान लीजिए आप एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं तो कार इज़ अ बिग इन साइज, बट स्टिल आप इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। वो किस कंडीशन में? कि अगर ये जो डिस्टेंस कवर किया है कार ने वो इसके एक्चुअल साइज से कहीं ज़्यादा हो, फ्यू किलोमीटर्स या यू कैन से मच डिस्टेंस इज बीइंग कवर्ड बाय द कार, लेकिन कार का खुद का साइज जो है वो उतना नहीं है, तो फिर उस सिचुएशन में हम इसको पॉइंट ऑब्जेक्ट मान लेते हैं। सेम ऐसे ही पेंडुलम का एग्जांपल लेते हैं, तो सिंपल पेंडुलम में जब पेंडुलम ऑसिलेट करता है तो आपने पेंडुलम के बॉब को देखा होगा, तो बॉब को उस वक्त उसका हम कोई साइज नहीं मानते, हम उस वक्त उस बॉब को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट ही मानते हैं, और हम उसका डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजिशन हम अज्यूम करते हैं, लेकिन कंसिडरिंग द ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। तो वहाँ पर बॉब एक पॉइंट ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं लोकेशन ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। अगर आपको इसी पॉइंट की, किसी भी पॉइंट की लोकेशन आपको बतानी हो तो वो आप कैसे बताएंगे? तो यहाँ मैंने एक फिगर बनाया हुआ है और यहाँ पे थ्री एक्सेस हमने कंसीडर किए हैं, एक्स, वाई एंड जेड। और पॉइंट पी की लोकेशन अगर स्पेसिफाई करनी है तो मुझे एक्स एक्सेस पे पॉइंट चाहिए, वाई पे चाहिए, जेड पे चाहिए। तो इस पॉइंट का डिस्टेंस हमने देखा फ्रॉम जेड एक्सेस कितना है, फ्रॉम एक्स एक्सेस कितना है एंड फ्रॉम वाई एक्सेस कितना है। तो यानी कि ये जो तीनों डिस्टेंस है पी, पी डैश, एक्स और पी डैश, और यहाँ पर ये जेड डैश और पी डैश जो पॉइंट आपको बता रहे हैं, ये आपको इसके रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट्स दे रहे हैं, यानी कि ये आपको इसकी साइड्स मैंशन करें। तो ये डिस्टेंसेज जो कहलाते हैं, ये कहलाते हैं रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट, या फिर हम इनको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स भी कहते हैं। तो इन सिंपल लैंग्वेज फाइल से कि अगर किसी पॉइंट की पोजीशन आपको स्पेसिफाई करनी है तो उसके लिए आपको तीन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, एक्स, वाई, जेड, जो कि इसके कार्टेशियन या रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स कहलाते हैं। अब बात करते हैं हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस की। फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस में हम ये कह सकते हैं कि द प्लेस फ्रॉम विच द मोशन इज ऑब्जर्व्ड और मेजर्ड इज कॉल्ड एज फ्रेम ऑफ रेफरेंस। मतलब एक ऐसी जगह जहाँ से हम एक्चुअली ऑब्जर्वेशंस ले रहे हैं। तो अगर एक एग्जांपल लिया जाए, इफ़ ए ट्रेन इज रनिंग विद अ सर्टेन स्पीड, सपोज 60 किलोमीटर पर आर से वो ट्रेन रन कर रही है, और ट्रेन के अंदर एक पर्सन है वो 5 किलोमीटर पर आर से कर रहा है, तो अगर उस रनिंग बॉय के लिए ट्रेन फ्रेम ऑफ रेफरेंस है तो उसकी स्पीड होगी 5 किलोमीटर पर आर, क्योंकि वो 5 किलोमीटर पर आर से दौड़ रहा था। लेकिन अगर हम ग्राउंड को फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले लेंगे, यानी हम अपनी ऑब्जर्वेशन की पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं, तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस बेसिकली क्या है? वो जगह जहाँ से आप ऑब्जर्वेशन लेते हो। तो अगर हम ग्राउंड से ऑब्जर्व करेंगे तो फिर उस केस में हमें उस बॉय की स्पीड जो है वो 65 किलोमीटर पर आर दिखाई देगी, क्योंकि ऑब्जर्व कर पाएंगे हम, क्योंकि उसमें ट्रेन भी मूव कर रही है और साथ में वो पर्सन भी मूव कर रहा है, तो तब उसकी स्पीड बढ़ गई, इंक्रीज़ हो गई। और जबकि जब हम ट्रेन को ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले रहे थे तो जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी हमने सिर्फ वही कंसिडर किया। नाउ बात करते हैं मोशन इन वन, टू एंड थ्री डायमेंशन। वन डायमेंशन में, टू डायमेंशन में और थ्री डायमेंशनल मोशन की हम बात करते हैं। तो मैंने यहाँ तीनों के लिए फिगर भी बनाए हैं और इनको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन करूँगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट वन डायमेंशनल मोशन की। अगर देखिए, हमने कहा था कि जब हमें किसी पोजीशन, किसी पॉइंट की पोजीशन स्पेसिफाई करनी होती है तो हमें तीन कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत होती है, एक्स, वाई एंड जेड। लेकिन अगर बॉडी सिर्फ स्ट्रेट लाइन में मूव कर रही हो और उन तीनों में से सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट का यूज़ करे
और वो ही एक अकेला कोऑर्डिनेट उसकी पोजीशन को स्पेसिफाई करने के लिए एनफ हो, तो ऐसे मोशन को हम वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल ले लूँ कि ओरिजिन पे पॉइंट ओ पे था, ओ पॉइंट पोजीशन पे था, फिर पॉइंट ओ से सॉरी ओ से अगर हम उसकी पोजीशन नापें तो उसकी पोजीशन थी पी वन पॉइंट पे इनिशियली, वो डिस्टेंस था एक्स वन, वो शिफ्ट होके पी टू पे पहुँचा है और वो डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन हो गया एक्स टू। तो ये जो डिस्टेंस आपने स्पेसिफाई हुई ये सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट यूज़ हुआ है, वाई की जरूरत नहीं पड़ी, जेड की जरूरत नहीं पड़ी, तो इस टाइप के मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशनल मोशन। तो ऑल दी बॉडीज मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, कार है स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल कर रही है, तो ये सभी क्या कहलाएंगी, वन डायमेंशनल मोशन के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम टू डायमेंशनल मोशन की। तो जब हम टू डायमेंशनल मोशन की बात करें तो यहाँ हमारा पार्टिकल जो था या बॉडी जो थी वो पॉइंट पी वन से पी टू पर पहुँच गई है, कोऑर्डिनेट्स हमारे वही हैं एक्स एंड वाई, लेकिन अब हमें इनकी पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक तो ये डिस्टेंस जो इसका यहाँ से डिस्टेंस स्पेसिफाई करेगा विच इज़ एक्स वन, और ये वाले पॉइंट बॉडी का जो डिस्टेंस स्पेसिफाई कर रहा है वो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक विच इज़ योर एक्स ऑफ टू। लेकिन ये जो हाइट है ये भी हमें चाहिए, तो ये डिस्टेंस हो गया वाई ऑफ वन और ये वाला जो साइड था वो डिस्टेंस हो गया वाई टू। तो बॉडी पॉइंट पी वन से जब पी टू पर पहुंची तो उसके कोऑर्डिनेट्स चेंज हो गए, कहाँ से कहाँ, एक्स वन वाई वन से चेंज होके वो एक्स टू वाई टू पे चले गए हैं। तो यानी कि हमें एक कोऑर्डिनेट से हमारा काम नहीं चला, यहाँ हमारा एक कोऑर्डिनेट से काम चला था, ये डिस्टेंस हमारा एक्स वन था, उससे नेक्स्ट जो डिस्टेंस था वो हमारा एक्स टू था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है और यहाँ हमें दो कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ी, यानी कि टू डायमेंशंस की ज़रूरत पड़ी। तो ऐसी किसी मोशन को जिसमें आपको दो कोऑर्डिनेट पोजीशन स्पेसिफाई करने के लिए आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए उसे हम कहते हैं टू डायमेंशनल। एग्जांपल कह लें किसी भी रेक्टेंगुलर फ्रेम में कोई भी दो बॉडीज़ मूव कर रही हो, कोई भी बॉडी मूव कर रही हो, तो फिर वो क्या कहलाती है, वो टू डायमेंशनल कहलाती है। जैसे सर्कुलर मोशन हो गया, तो या फिर आपने कह सकते हैं हमने एक बॉल को रोल डाउन करा दिया इन अ रूम, ग्राउंड पर ही, हवा में नहीं बट ग्राउंड पर ही हमने उसे रोल डाउन करा दिया, तो ये सब टू डायमेंशनल के एग्जांपल हैं। सर्कुलर मोशन जो है वो टू डायमेंशनल का एग्जांपल है। सो अब बात करते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन की। थ्री डायमेंशनल मोशन में अब तक आइडिया हो गया होगा कि वन डायमेंशन में एक कोऑर्डिनेट चाहिए था, टू डायमेंशन में दो कोऑर्डिनेट चाहिए थे और थ्री डायमेंशन में हमें तीन कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे, तो वो पोजीशन हमारी कैसे स्पेसिफाई होगी वो भी हम देख लेते हैं कि हमारी कोऑर्डिनेट की पोजीशंस क्या थी, अलग अलग थी। तो अब ये पोजीशन मैं कह देती हूँ दिस इज योर एक्स ऑफ वन, इसके पैरेलल है, सेम ऐसे इसको थोड़ा पीछे लाते हैं, इसकी पोजीशन जो स्पेसिफाई होगी वो होगी एक्स ऑफ टू, सेम ये जो साइड डिफाइन हो रही है वो इसके पैरेलल है, तो यहाँ तक का डिस्टेंस था जेड वन और इससे आगे जो डिस्टेंस रहा होगा वो था जेड टू, तो जेड वन जेड टू भी मिल गया और हाइट भी अब हमें चाहिए। सो ये जो हाइट थी आपकी ये थी वाई वन और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो नीचे तक हाइट थी वो थी वाई ऑफ टू। तो हमें जो कोऑर्डिनेट चाहिए थे वो तीनों कोऑर्डिनेट्स थे, पॉइंट पी वन के थे एक्स वन वाई वन जेड वन और पॉइंट टू के थे एक्स टू वाई टू एंड जेड टू। तो यानी अब हमें तीनों डायमेंशंस की ज़रूरत है, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट, इसीलिए बोल रहे हैं इनको रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट क्योंकि इसकी आउटर डायमेंशंस बताती हैं। तो अगर हमें स्क्वेयर वाली डायमेंशन चाहिए तो टू डायमेंशनल बॉडी हो गई, अगर हमें लाइन वाली डायमेंशन चाहिए यानी एक्स चाहिए तो वो वन डायमेंशनल हो गया, और अगर हमें क्यूब वाली डायमेंशन चाहिए तो फिर वो हमारे कैसा हो गया, थ्री डायमेंशनल बॉडी हो गई, मोशन हो गया। तो अगर इसमें एग्जांपल दें जैसे एरोप्लेन है या काइट है या कोई बर्ड फ्लाई कर रहा है, तो क्या है आपको नीचे से पोजीशन भी देनी पड़ेगी कि कितने दूरी पर है वो, कितनी हाइट पर है वो और कितना एक्स एक्सिस से दूर है, कितना वाई एक्सिस से दूर है। तो यानी कि आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक्स वाई एंड जेड, उनके शिफ्ट इन पोजीशन को मेकआउट करने के लिए आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स चाहिए, तो इसीलिए हम इसको कहते हैं थ्री डायमेंशनल मोशन। आगे बात करते हैं स्केलर क्वांटिटीज एंड वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज के बारे में आपने पहले क्लास नाइन्थ में आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ है, तो मैं फिर भी एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। स्केलर में क्या चाहिए, ओनली मैग्नीट्यूड, वेक्टर में चाहिए हमें डायरेक्शन प्लस मैग्नीट्यूड। सो अगर हम बात करें मेरे पास कोई फोर्स है, कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी, लेट मी कॉल इट एज अ फोर्स, और फोर्स आपको डिफाइन करें -5 न्यूटन। सो ये अगर ये पहले भी शायद मैंने ऐसे एक्सप्लेन किया था, तो ये डिफाइन करता है आपकी यूनिट, ये डिफाइन करता है आपका मैग्नीट्यूड
और लास्ट ये डिफाइन करता है डायरेक्शन। अगर तो ये फिजिकल क्वांटिटी वेक्टर है तो ये माइनस सिंबल डायरेक्शन शो कर रहा है, लेकिन अगर ये फिजिकल क्वांटिटी स्केलर है तो फिर ये माइनस सिंबल यहाँ पर पोलैरिटी डिफाइन करता है, डायरेक्शन डिफाइन नहीं करता। सो आगे बात करते हैं। लेट अस सी नाउ कि अगर हमें किसी पार्टिकल की पोजीशन स्ट्रेट लाइन में बतानी हो तो हम उसकी पोजीशन कैसे बताएंगे। तो यहाँ पे मैंने एक्स वाई एक्सिस का एक फ्रेम ले लिया है और जो राइट हैंड साइड की डायरेक्शन है उसे हम प्लस लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड को माइनस लेते हैं। कन्वेंशंस हैं, ऊपर वाला पॉजिटिव साइड होता है, नीचे वाला नेगेटिव साइड होता है। तो अगर आपको कोई भी पोजीशन डिफाइन करनी है, वो अलोंग एक्स एक्सिस डिफाइन करनी है या वाई एक्सिस डिफाइन करनी है, तो आप उसमें एक पर्टिकुलर पॉइंट लेंगे जहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन शुरू की। तो अगर मैं कहूँ कि मैंने स्टार्ट किया यहाँ से, नॉट फ्रॉम दिस क्रॉस पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट किया, तो मेरा ओरिजिन ये हो गया, ये कहलाता है शिफ्ट ऑफ ओरिजिन। अब ओरिजिन ये हुआ और ओरिजिन से हम डिस्टेंस गए, जब ओरिजिन ज़ीरो था उस वक्त मेरा टाइम ज़ीरो था। यहीं पर आपको ये टाइम मेजरमेंट भी एक्सप्लेन हो रहा है साथ साथ कि जिस टाइम पे मैंने ऑब्जर्वेशन शुरू किया उसे आप ओरिजिनल पोजीशन या उसे आप ओरिजिनल टाइम मान लें। तो टाइम इनिशियली जब हमने स्टार्ट किया दैट वाज ज़ीरो, अब जो टाइम स्पेंड होगा वो होगा आपका डिफरेंस, टाइम इंटरवल कितना हुआ, वो डिफरेंस इंटरवल निकालने के लिए हम नेक्स्ट टाइम को कंसिडर करेंगे। तो सपोज ओ से स्टार्ट किया हमने, ओ से हम नेक्स्ट पॉइंट पी वन पे पहुंच गए और फिर आपने पी टू पे पहुंचना है। तो जब हम पी वन पे पहुंचे थे उस वक्त टाइम टी वन था, जब पी टू पे पहुंचे उस वक्त आपका टाइम टी टू था। तो जो डिस्टेंस जीरो से लेकर टाइम टी जीरो से लेकर पॉइंट पी वन तक आया उसे हम एक्स वन कह दें, और टाइम टी जीरो से लेकर जो डिस्टेंस टी टू तक आया है वो हो गया एक्स ऑफ टू। तो अब आप इसकी पोजीशन या इंटरवल या आप डिस्प्लेसमेंट अगर डिफाइन करना चाहें, वैसे तो ये क्या है, स्ट्रेट लाइन पाथ है, तो एक ही डायरेक्शन एक ही कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए था, पोजीशन चेंज हुई है, वो सिर्फ एक्स एक्स ही रिक्वायर्ड था, वाई पार्टिकल वाई कोऑर्डिनेट मेरे को यूज़ नहीं हुआ है। सो इस वक्त मैं इंटरवल जो निकाल सकती हूँ, यानी कि टी वन से टी टू में जाने के लिए कितना टाइम लगा, तो वो आपका इंटरवल आ जाएगा एक्स टू माइनस एक्स वन। तो वो तो सिंपली आप डिस्प्लेसमेंट अगर मुझे शो करनी है, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, विच विल बिकम एक्स टू माइनस एक्स ऑफ वन, तो वो डिस्प्लेसमेंट आप निकाल सकते हैं। ये आपको ये तरीके हैं समझने के। मान लीजिए ओरिजिन यहाँ नहीं होता या मैं टी वन को ओरिजिन मानती, तो फिर टी वन नहीं होता, दैट विल बी कॉल्ड एज टी ज़ीरो, वो आपका टाइम इंटरवल ज़ीरो हो जाता है, यानी कि जहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन शुरू की है। यानी टाइम मेजरमेंट क्या है, जिस पॉइंट से हम ऑब्जर्वेशन शुरू करते हैं उस पॉइंट को हम टाइम टी ज़ीरो ले लेते हैं, चाहे उस वक्त 4 बजे हों 5 बजे हों 10 बजे हों कितना भी बजाओ, लेकिन वो आपका इनिशियल ओरिजिनल टाइम कहलाएगा कि एट द टाइम एट ओरिजिन। टाइम एट ओरिजिन क्या लिया जाता है, ज़ीरो ले लेते हैं उसको। सेम ऐसे पोजीशन, तो जहाँ से आपने ऑब्जर्वेशन शुरू किया वहाँ इनिशियल एक्स की वैल्यू क्या हो जाती है, ज़ीरो। तो जो डिस्टेंस कवर हुआ है वो ज़ीरो से लेकर पॉइंट पी वन तक, ये इंटरवल आप लेंगे विच इज़ एक्स वन। इस एक्स की कोई अपनी सिग्निफिकेंस नहीं, आप यहाँ से हटा के इसे यहाँ ले लें, यहाँ से पीछे ले जाएं, बट आपने जो डिस्टेंस नापा है वो ओरिजिन से नापा है, टाइम नापा है ओरिजिन से नापा है, एंड यू आर फ्री टू चूज एनी वेयर द ओरिजिन। ओरिजिन आप कहीं पर भी चूज कर सकते हो, वो आपकी च्वाइस होती है। अब हम डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपने पहले पढ़े हुए हैं, तो मैं बहुत ही ब्रीफली इनको सिर्फ रिकैप करेंगे। सो ये एक पॉइंट ले लिया, ये एक पॉइंट ले लिया, ए से बी तक पहुंचने के लिए जो आपने एक्चुअल पाथ हुआ, वो एक्चुअल पाथ क्या कहलाता है आपका, डिस्टेंस। जबकि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, यही दोनों ए पॉइंट हैं और बी पॉइंट है, ए से बी की तरफ जा रहे हैं, तो इनके बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वो कहलाता है आपका डिस्प्लेसमेंट। दिस इज शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दिस इज योर एक्चुअल पाथ। अब एक्चुअल पाथ जो हम ले रहे हैं वो कैसी, ये डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, स्केलर है। ये कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर है। ये हमेशा क्या होता है, दिस इज़ ऑलवेज पॉजिटिव। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, और ये ज़ीरो भी हो सकता है। ये क्या बताता है, नेचर ऑफ पाथ। ये इसके बारे में कोई बात नहीं करता, तो ये नेचर ऑफ पाथ की बात नहीं। नेचर ऑफ पाथ का मतलब हुआ, ये हम डिस्टेंस हमें ये बताएगा कि पाथ कैसा था, पाथ सर्कुलर था, zigzag था,
या कोई वेरिएशन था पाथ के अंदर, ये तो जैसा मर्जी पाथ हो ये हमेशा आपको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देगा। तो ये स्ट्रेट लाइन ही दिखाएगा, ये नहीं बताएगा कि पाथ कैसा था, सर्कुलर था, जिगजैग वाला मोशन था, किस तरह का मोशन था, ये इसकी कोई स्पेसिफिकेशंस नहीं देता। अगेन हम कह सकते हैं कि हमेशा डिस्टेंस जो होता है, अच्छा डिस्टेंस को सिंबल दे देती हूँ एस, और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम सिंबल लेते हैं लेकिन उसके ऊपर लगा देते हैं वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट का जो मैग्नीट्यूड है वो हमेशा डिस्टेंस जो है हमेशा या तो उससे बड़ा रहेगा या उसके बराबर रहेगा। बड़ा कब रहेगा, अब जैसे देखिए ये दो पॉइंट थे ए एंड बी, तो शॉर्टेस्ट तो छोटा हुआ लेकिन डिस्टेंस तो ये भी हो सकता है, यानी इससे तो बड़ा ही है ना। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या मिनिमम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि पर्सन जो पाथ ले रहा है वो स्ट्रेट ही ले ले, यानी यूनिफॉर्म मोशन ले ले, स्ट्रेट लाइन पाथ ले ले। तो अगर वो स्ट्रेट लाइन पाथ ले ले तो भी पॉसिबिलिटी क्या है, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट के इक्वल, तब ये डिस्टेंस जो है, ये जो गैप है, ये एक्चुअली इसके बीच में, यानी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस का पाथ और डिस्प्लेसमेंट का पाथ तब इक्वल हो जाएगा, जब आप कह सकते हैं कि हाँ बॉडी कैसे मूव कर रही है, स्ट्रेट लाइन मोशन में जा रही है, तब दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो या तो इक्वल होने का चांस है या उससे ज़्यादा होने का चांस है। इसमें उल्टा है कि हम यही चीज़ बोल सकते हैं कि ये हमेशा कम, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कम होती है या बराबर होती है डिस्टेंस के। एस स्टैंड्स फॉर डिस्टेंस, एस वैक्टर स्टैंड्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। ओके, नेक्स्ट कह सकते हैं कि इसमें बहुत सारे नंबर ऑफ पाथ हो सकते हैं, नंबर ऑफ पाथ्स बहुत हो सकते हैं। कैसे, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि हम ए टू बी जा रहे हैं ऐसे ही जाएं, हम ये वाला पाथ ले लें, हम वो वाला कोई पाथ ले लें, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये कैसा है, ये हमेशा यूनिक है। यूनिक क्यों है, क्योंकि हमेशा शॉर्ट लाइन पाथ जो है वो उतना ही रहेगा, उसमें कोई वेरिएशन नहीं आएगा। नेक्स्ट लेते हैं, अगर हम एक इसमें ये कहा जाता है कि अगर आप चॉइस ऑफ ओरिजिन, ये मैंने यहाँ पर भी बताया, अगर आप ओरिजिन को शिफ्ट कर लें, यहाँ से आपने ओरिजिन शिफ्ट कर लिया कहीं और ले गए, तो उससे डिस्प्लेसमेंट पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूँ, यहाँ पर एक फिगर मैं फिर से बनाती हूँ और आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि अगर शिफ्ट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन यहाँ था तो ओरिजिन से पहले जो डिस्टेंस जा रहा था, सपोज मैं इस पॉइंट को ले लूँ पी वन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का पॉइंट हो गया, ये हो गया पी टू। तो ओरिजिन अगर आपने यहाँ पर रखा है, दिस डिस्टेंस इज एक्स वन, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया एक्स ऑफ टू, ठीक है। लेकिन मैं ओरिजिन यहाँ से शिफ्ट करके अब मैं ओरिजिन यहाँ ले आती हूँ, तो फिर आपका न्यू एक्स डैश हो जाएगा ये एक्स वन, तो और इस ओरिजिन से अब नेक्स्ट जो आ रहा था वो आ जाएगा एक्स टू, आपका एक्स टू डैश ही हो जाएगा। लेकिन एक्स टू माइनस एक्स वन जो है वो एक्स टू डैश माइनस एक्स वन डैश ही होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट तो ये है ना कि पॉइंट पी से हम पॉइंट पी टू पे पहुँचे हैं, तो डिस्प्लेसमेंट तो यही है। वो डिफरेंस क्या है, इसमें से आपने ये ओरिजिनल घटा दिया, तो ये डिस्टेंस तो अभी भी जब आपने एक्स लिया था वो तब भी उतना ही है, अगर आपने ओरिजिन शिफ्ट कर दिया तो भी। तो शिफ्ट ऑफ ओरिजिन विल नॉट क्रिएट एनी काइंड ऑफ डिफरेंस इन द डिस्प्लेसमेंट, तो डिस्प्लेसमेंट पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।